गाइस, मैं मोहित चतुर्वेदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आपको घुमाने वाला हूँ जो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के अजयगढ़ में बहुत खूबसूरत जगह है, खोए तालाब। और बरसात में बहुत ही मज़ा आता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और जब ऊपर से मेघ छाए रहते हैं, हल्की हल्की बारिश की बूंदें टपकती रहती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल में, और आपको बहुत अच्छा प्राकृतिक का एक चित्रण दिखाने वाला हूँ, और बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ खोए तालाब की ओर। जैसा कि मैं पहुंच चुका हूँ खोए तालाब, और मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रकृति का एक चित्रण दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, ये पूरे पर्वत पर मेघ छाए हुए हैं और पानी की बूंदें हल्की हल्की बरस रही हैं। और इस तालाब को देखिए, बहुत ये तालाब दो दिन में भरा हुआ है अभी, हालांकि इतना ज़ोर से बारिश हुई है, मूसलाधार जिसे कहते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा प्रकृति का चित्रण है देखने को मिलता है। ये देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी आगे चलूँगा जहाँ झरना वगैरह गिरता है। और ये तालाब है, और ये देखो मेघ छाए हुए हैं, बिल्कुल एकदम मेघ छाए हुए हैं। और यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, एक बहुत सुंदर चित्रण। ये देखिए, बहुत पानी है इस तालाब में। आइए चलते हैं उस झरने की ओर, बहुत पानी भरा हुआ है। ये बहुत मज़ेदार एक अट्रैक्टिव जगह है यहाँ पे, जिसे कहते हैं। और मेरे कैमरा मैन भी है परम मित्र प्रभाकर द्विवेदी जी, इसको शूट कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि उनको गुस्सा आ रहा है वीडियो बनाने में, तो हालांकि वो मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, एक बहुत अच्छा मौसम है। मैं आपको मित्र से मिलाता हूँ प्रभाकर द्विवेदी जी से, हालांकि मैं उनसे कैमरा ले लूँ। और जो मेरे दोस्त हैं, ये देखिए, ये मेरे मित्र। हाँ, तो प्रभाकर जी, आप क्या कहेंगे इस प्लेस के बारे में? ये प्रकृति की सुंदरता का बहुत करीब से नजारा है। हाँ, इसका बहुत मनमोहक दृश्य है, पहाड़ों के चारों ओर पानी इकट्ठा होकर के पहाड़ों की पेड़ पौधों से होते हुए जड़ी बूटियों से युक्त ये पानी है, और आकर के ये अजयगढ़ की सुंदरता को और ज़्यादा निखारता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर दृश्य पर्वत का, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये पूरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना सागौन का वृक्ष है। मध्य प्रदेश सागौन वृक्ष के लिए बहुत ही अग्रणी माना जाता है, और यहाँ पर सागौन का वृक्ष है और तरह तरह के वृक्ष हैं। जड़ी बूटियों से युक्त पानी यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ का पानी की इतनी विशेषता है, यहाँ पर लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर का पानी इतना अच्छा है कि यहाँ पर बहुत सारी दवाइयों के रूप में ये पानी यूज होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं हमारे मित्र मोहित चतुर्वेदी को, जो आगे का आपका पूरा इसके बारे में विवरण सहित आपको जानकारी देंगे। नमस्कार। जंगलों से होते हुए यहाँ पे पगडंडी बनी हुई है जो झरना की तरफ जाती है। आइए चलते हैं उस झरने की तरफ आपको लेके। इस पगडंडी बहुत, यहाँ पे मिट्टी बहुत गीली हो चुकी है जहाँ पे पैर फिसल रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ। आइए चलिए, एक जो पानी की सनसनाहट, एक दमदम की बूंद जो ऊपर से गिरता हुआ झरना है, देखिए ये वो झरना है जहाँ से पानी गिर रहा है। और मैं पगडंडियों से होते हुए यहाँ पे आया, और बहुत बरसात में एक बीच जंगल में झरना है। ये देखिए, ये इतनी खाई है यहाँ पे, मतलब मैं नीचे जा नहीं सकता हूँ, पैर स्लिप होने का डर भी है। और मैं आपको जंगल और प्रकृति का, ये देखिए, आप एकदम बिल्कुल ग्रीनरी देख रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ कि ये पानी कहाँ से आता है, कौन से पहाड़ से आता है। और पहले जहाँ पहाड़ से आता है, फिर तालाब भरता है, तालाब से फिर ओवरफ्लो होके ये पानी गिरता है झरने के रूप में। पहाड़ का पानी है, और बिल्कुल आइए चलते हैं बिल्कुल।
इस तालाब में भर के पानी आता है, ऊपर से तालाब भरता है। अपन वहाँ से आ गए हैं जहाँ पे पहाड़ों से पानी गिर के उस तालाब में आता है। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने। आइए चलते हैं आपको बहुत। ये देखो ये सनसनाहट, ये पानी देखो बहुत ठंडा पानी है। ये देखो ये पानी आ रहा है वहां से। ये देखो मैं यहाँ पे आ गया। ये और ये हम भीड़ों में फंस चुके हैं, अब हमें जिंदा रहने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। बहुत ठंडा पानी है हालांकि। आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये पानी कहां से आ रहा है आखिर। और ऊपर चलता हूं मैं। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मजे किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह के लिए। और बागेश्वर के सभी साथियों को मेरा जय बागेश्वर राम सरकार की, जय सन्यासी वाले बाबा की, और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।